पौंग झील के वेटलैंड प्रबंधन, जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इसी के लिए वन्य प्राणी मत्स्य पालन विभाग, पर्यटन विभाग के साथ साथ स्थानीय लोगों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं, ताकि पौंग झील के वेटलैंड प्रबंधन की दिशा में सकारात्मक पहल की जा सके। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष में वेटलैंड का संरक्षण और प्रबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि वेटलैंड एक ऐसा परिस्थितीय यंत्र है जो बाढ़ के दौरान जल के अधिकाय का अवशोषण करता है। वेटलैंड्स के कारण जलीय चक्र निरंतर चलता रहता है और स्रोतों को भी स्वच्छ रखता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की जीविका भी काफी हद तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वेटलैंड्स पर ही निर्भर करती है। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि पौंग झील के आसपास रहने वाले लोगों के सुझावों के आधार पर ही वेटलैंड प्रबंधन का प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मत्स्य पालन विभाग को भी मत्स्य पालन की बेहतर संभावनाओं को लेकर सुझाव शामिल करने के लिए कहा गया है। देखिए, जो NPCA है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक सिस्टम्स, उसके तहत दो साइट्स जो हैं वो पूरे हिमाचल के अंदर जो रामसर साइट्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया है। एक पौंग डैम जो कांगड़ा स्थित है और दूसरा जो रेणुका झील है जो सिरमौर स्थित है। तो इसमें जो पौंग डैम के लिए जो एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान है, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ हैबिटेट को लेके हो, चाहे वो सराउंडिंग लोगों के लाइवलीहुड्स को लेके हो, चाहे वो वाटर क्वालिटी को लेके, उन सब के ऊपर एक जो एक व्यापक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। और ये प्लान जो है वो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके तहत इस प्लान को तैयार किया जा रहा है। और इसमें एक जो GIZ नामक टेक्निकल कंसल्टेंसी फर्म भी जो स्टेट द्वारा हायर की गई है, तो इसके जो फर्स्ट मीटिंग है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ वो कल की गई है। और इसमें जो ब्रीफली जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो पौंग डैम की जो सस्टेनेबिलिटी, चाहे हम लाइवलीहुड की बात करें, वहाँ पे फिशिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, वहाँ पे वेदर की बात करें, तो इन सब के ऊपर काफ़ी डिस्कशन कल हुई है। और इसी क्रम पे एक जो 24 अगस्त को एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप है सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने के लिए, उनको एक उनसे जो डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज के लिए वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। और उसके उपरांत जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है वो एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पोस्ट करेगी।